हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्र राणा। दोस्तों, आज के मज़ेदार वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बैटरी की दिक्कतें आ रही है टू व्हीलर्स में, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग आज समझेंगे आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी बैटरी में फॉल्ट है या चार्जिंग सिस्टम में फॉल्ट है। बहुत से टाइम दोस्तों ऐसा होता है कि आपके चार्जिंग सिस्टम में इश्यू होता है, बैटरी अच्छी होती है, या बैटरी खराब होने का रीजन भी चार्जिंग सिस्टम हो सकता है। सो क्या क्या चीजें आप घर पे चेक कर सकते हो, इस चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज हम लोग यूज करने वाले हैं मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर के अलावा काफी टूल्स आते हैं, जैसे ये लोड टेस्टर्स है, ये दो लोड टेस्टर्स है अलग अलग। तो लोड टेस्टर जो होते हैं दोस्तों, ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये मल्टीमीटर के हेल्प से आप कैसे चेक कर सकते हो घर पे कि आपका बैटरी खराब है या अच्छा है, आपका चार्जिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इसे कहते हैं मल्टीमीटर, जिसका यूज करने वाले हैं हम आज वीडियो में। मल्टीमीटर हम लोग यूज करेंगे डीसी में। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से आता है, और एसी मतलब ऑल्टरनेटर करंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आता है। तो आज इसका यूज़ होगा। ये काफ़ी सस्ता होता है, ये 100 रुपये का आता है, कोई भी मैकेनिक इसे अफोर्ड कर सकता है। काफ़ी मैकेनिक को लोड टेस्टर जो महंगे होते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें हमको चेक करनी होती है बैटरी चार्जिंग सिस्टम में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका बैटरी का वोल्टेज कितना है। बैटरी का वोल्टेज जो है 12.6 के ऊपर हमेशा होना चाहिए। दैट मींस आपका बैटरी 100% चार्ज है। मान लो अगर आपका बैटरी का वोल्टेज 12.6 के नीचे है, दैट मींस कितना परसेंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप आपका कितना परसेंट बैटरी चार्ज है। ग्राफ को देखो, यहाँ पे ग्राफ में सब आपको पता चलेगा कि आपका बैटरी कितना चार्ज है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है आपका 100% बैटरी अगर चार्ज नहीं है, तो आपको बैटरी पहले चार्ज करवाना होगा। अभी हम लोग मान लेते हैं कि आपकी बैटरी जो है ये 100% चार्ज है। अगर नहीं है तो आप चार्ज करवा के इस सिस्टम को चेक कर सकते हो। तो हमको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका चार्जिंग सिस्टम कैसा फंक्शन कर रहा है। तो वो उस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो गाड़ी में दोस्तों यूजुअली चार्जर्स लगे रहते हैं, जिसे ऑल्टरनेटर भी कहा जाता है फोर व्हीलर के लिए, और टू व्हीलर के लिए उसे रेक्टिफायर भी कहा जाता है। काफ़ी लोग उसे चार्जर का भी नाम यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग बैटरी को टेस्ट करने के लिए यहाँ से खोलेंगे। तो यहाँ लगी है बैटरी। बैटरी में माइनस और प्लस ये दोनों को हमको आइडेंटिफाई करना है। उसी जो है प्लस और ये है माइनस, तो रेड वाला जो यहाँ पे है ये प्लस का, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो अभी बैटरी जो रीडिंग दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 12.88, तो 12.60 के ऊपर है। दैट मीन्स बैटरी जो है ये 100% चार्ज है। यहाँ पे की को ऑन कर दिया है। अभी हम लोग सेल्फ मारेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में रेक्टिफायर में जैसे आइडलिंग में कितना दिखा रहा है ये देखना जरूरी है। यहाँ पे जो अगर चार्ज करने के बाद में अगर रेक्टिफायर 12.5 के आसपास बताता तो डैट मीन्स चार्जिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम ये काम कर रहा है। रेक्टिफायर है ये आपका आइडलिंग में, जो यूजुअली बैटरी आपकी 12.6 होती है आइडलिंग, जब हम लोग गाड़ी चालू करते हैं तो 13.6 होना ज़रूरी होता है। 13.6 से 14 तक होना ज़रूरी होता है। 14.5 तक भी कुछ गाड़ियों में होता है। अगर आपका दोस्तों रेक्टिफायर 15 एंड अबव के ऊपर चार्ज कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो बैटरी है ये ओवर चार्ज कर रहा है। आपका रेक्टिफायर 15 एंड अबव है, दैट मीन्स आपको रेक्टिफायर चेंज करने की ज़रूरत है। और बैटरी अगर ओवर चार्ज होती है दोस्तों, तो ब्लास्ट होने के भी चांसेस है। ब्लास्ट होती है मतलब बैटरी फटने के भी चांसेस होते हैं, और बहुत से बार ये होता है कि आपकी वायरिंग शॉर्ट सर्किट भी होने के चांसेस होते हैं। तो आप पहले देखिए कि आपका रेक्टिफायर कितना चार्ज कर रहा है। मान लो अगर आप नई बैटरी अभी डाल रहे हो, उसके बाद भी आपको चेक करना जरूरी होता है कि आपका जो रेक्टिफायर है ये कितना चार्ज कर रहा है। मान लो अगर आपका रेक्टिफायर 15 एंड अबव है, दैट मीन्स आपका जो बैटरी है वो ओवरचार्ज हो रहा है। ओवरचार्ज होने की वजह से आपका बैटरी फट भी सकता है और कहीं ना कहीं वायरिंग भी जल सकती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो रेक्टिफायर है ये 15 एंड अबव नहीं है। हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका जो रेक्टिफायर है ये 15 एंड अबव नहीं है, ये 14 एंड हाफ के अंडर में है। रेस करने के बाद भी दैट मीन्स आपका जो चार्जिंग सिस्टम है ये परफेक्टली काम कर रहा है। मान लो अगर आपका गाड़ी अभी आइडलिंग सिचुएशन में है और आपका जो रेक्टिफायर है वो 12.6 के आसपास है और वो निगेटिव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका रेक्टिफायर है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। सो इस सिचुएशन में बैटरी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं गाड़ी बंद भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग एक KTM आई है जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। जो बैटरी की सिचुएशन है 13.5, दैट मीन्स बैटरी जो है ये 100% चार्ज है। अभी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में देखो ये 11.72 आया था। वापस बंद करके चालू कर। देखो ये चालू करने के बाद में यहाँ पे करो चालू,
लोड मारने के बाद 11.97 आया था, मतलब बैटरी परफेक्ट है। अभी आइडलिंग सिचुएशन में है गाड़ी, अभी रेस करो इसको। यहाँ पे रेस कर रहे, देखो एक गाड़ी, यूजुअली जो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, रेक्टिफायर जो ये परफेक्टली काम कर रहा है, 14 पॉइंट के आसपास गया था। दोस्तों अगर आपका आइडलिंग सिचुएशन में 12.6 है और निगेटिव करंट में जा रहा है, तो निगेटिव करंट जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपका जो बैटरी है ड्रेन आउट हो रहा है, आपका चार्जर ये है फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपको चार्जर चेंज करने की जरूरत होती है। पहले 12.90 भी था, अभी और थोड़ा देर रखेंगे तो बैटरी डाउन होते जाएगा, ये 70-75 तक नीचे बैटरी ड्रेन करना चालू करेगा। ये हम लोग बोल सकते हैं इसका रेक्टिफायर खराब है। गाड़ी चालू करने के बाद में जो बैटरी का वोल्टेज है 12.6 के ऊपर है, और आइडलिंग होने के बाद में अगर आपका जो माइनस करंट आ रहा है, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं बैटरी ड्रेन आउट हो रहा है, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। तो अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका चार्जिंग सिस्टम फॉल्टी नहीं है, प्रॉपर आइडलिंग में आ रहा है, और आइडलिंग होने के बाद भी आपका जो बैटरी है वो लोड नहीं उठा पा रहा है, तो बैटरी ख़राब होने के भी चांसेस होता है। तो बैटरी कैसी ख़राब है, कैसे आइडेंटिफाई करें, अभी इस चीज़ को देखते हैं। ये बैटरी को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि बैटरी का लोड टेस्ट करके कि बैटरी अच्छी है या ख़राब है। तो ये जो बैटरी है ये 9 एम्पियर की है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 13.27 है, तो 13.27 मतलब ये फुल चार्ज बैटरी है। हमको अभी चेक करना है कि लोड करके, जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं वैसा ये लोड करता है बैटरी के ऊपर। 9 एम्पियर की बैटरी है, तो हमने AH9 सेट किया है इसके ऊपर और इसको टेस्ट करेंगे। अभी देखो ये लोड मार रहा है, लोड मारने के बाद में यहाँ पे आपको 3 इंडिकेटर्स है, वीक है, बैड है और ग्रीन है। देखो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये बैटरी है ख़राब। तो सेम सिचुएशन में आप गाड़ी के ऊपर भी इसको टेस्ट कर सकते हो, ये ज़रूरत नहीं है लोड टेस्टर का। सेम सिचुएशन दोस्तों हम लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी के ऊपर भी। गाड़ी के ऊपर कैसा चेक करना होता है कि हम लोग ये बैटरी को गाड़ी के ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर मल्टीमीटर लगाते हैं, मल्टीमीटर लगाने के बाद में सेल्फ मारते हैं। मान लो उसका 10 के नीचे करंट आ रहा है लोड मारने के बाद में, दैट मीन्स बैटरी ख़राब है। टेस्टर जैसा काम करता है वैसे आपका गाड़ी भी काम करता है। आपको सेल्फ मारना होता है, एम्पियर वहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपका जो रेक्टिफायर है वो डिज़ाइंड होता है कि ये 9 एम्पियर की बैटरी उसके लिए बनाया होता है। तो आप वहाँ पे सेल्फ मारने के बाद में मान लो आपका 10 के नीचे आ रहा है तो बैटरी ख़राब है, तो ऐसा भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बैटरी देखो यहाँ पे फुल चार्ज है 13.21, सो एनीथिंग अबाउट 12.60 इज़ फुल चार्ज। अभी सेल्फ मारिए, देखो सेल्फ मारने के बाद में लोएस्ट कितना आया, वापस लो सेल्फ मारो, 10 पे जा, वापस जाओ, 10.36 10.2 आ रहा है, लेकिन ये हमने चेक किया बैटरी ये ख़राब है। अरे 7.81 दिखा आपको, तो दैट मीन्स ये बैटरी है ख़राब, क्योंकि सेल्फ में लेट हुआ वो। तो ये 10 के ऊपर अगर होता तो बैटरी अच्छा होता। 3 बार हमने मार के देखा, 10 के आसपास में आ रहा था, डाउट के लिए चौथे बार और मारा तो 7.81 के आसपास आया। रेक्टिफायर देखो प्रॉपरली आइडलिंग में है, बढ़ रहा है, रेक्टिफायर काम कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बैटरी ख़राब है। तो अभी बैटरी जो रीडिंग दिखा रहा है ये दिखा रहा है 12.88, तो 12.60 के ऊपर है, दैट मीन्स बैटरी जो है ये 100% चार्ज है। हम लोग अभी सेल्फ मारेंगे, तो सेल्फ मारिए, अभी देखो सेल्फ मारने के बाद में 11.58 आया, दैट मीन्स जो लोड टेस्टर लोड मारता है वो भी यही बताता है, गाड़ी स्टार्ट करने का जो जितना लोड लेता है बैटरी वो दिखा रहा है। अगर वो मान लो 10 के नीचे होता तो बैटरी आपकी ख़राब है, यहाँ पे 11.58 दिखा है, तो ये बैटरी परफेक्ट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, जो होती है आइडलिंग। आइडलिंग में जो RPM होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 1200-1500, जो आपका OEM रिकमेंड करता है उस हिसाब से आपका आइडलिंग होता है, जब बैटरी उस हिसाब से चार्ज होती है। अगर आइडलिंग कम रहेगा तो कहीं ना कहीं बैटरी ड्रेन आउट होंगी, फुल्ली चार्ज नहीं होंगी, तो वो भी एक चीज़ आपको चेक करना ज़रूरी होता है। दोस्तों सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जब भी आप बैटरी चार्ज करने के लिए डालते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये VRLA बैटरी के ऊपर ही चार्ज करिए बैटरी को, कि ये जो VRLA बैटरी होती है ये स्लोली बैटरी को चार्ज करते हैं। ये जो सील बैटरीज होती है उसे हम लोग कहते हैं VRLA, वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी, उसके चार्जर है वो डिफरेंट आते हैं। काफ़ी बैटरी वाले दोस्तों उसको चार्ज करते हैं फोर व्हीलर के चार्जर पे, फोर व्हीलर बैटरी के चार्जर पे, तो वहाँ पे बैटरी ख़राब होने के
बहुत चांसेस होते हैं। मेक श्योर कीजिए आप जब भी बैटरी चार्ज के लिए डालते हो कि उसके पास में VRLA चार्जर, टू व्हीलर का चार्जर, ये सेपरेट होना जरूरी होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर देना, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए तो सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आएगा। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू। सॉरी।